हे गाइस वेलकम, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आ गया हूँ एकदम न्यू सीरीज के साथ, जिसका नाम है ना, और इसका सीजन 1 2019 में अमेजोन प्राइम में आया था। और मैं अगर चाहता तो इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देता, बट बिलीव मी, मैं इसके छोटे नेम की तरह ही आप सबको इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा और आप सबको समझ में भी आ जाएगा और स्टोरी भी पता चल जाएगी। और इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह है, तो चलिए छोटा सा इंट्रो देखते हुए शुरू करते हैं। और आप सबको कुछ नहीं करना है, यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो स्टोरी शुरू होती है और हमें रोमानिया 2003 का सीन दिखाया जाता है। और फिर एक आदमी एरिक हेलर रात में किसी जंगल में दिखाया जाता है और ये एक सीक्रेट जगह में जाता है जो कि हॉस्पिटल जैसी लग रही होती है, बट वो हॉस्पिटल नहीं होता है। और ये काफी डरा हुआ होता है और फिर भी वहां से किसी वर्कर की ड्रेस चोरी करके उसको पहन के एक बच्ची को चुराता है और फिर उस जगह से जैसे भी करके निकलता है और फिर जंगल में जाता है। वहां एक लेडी के साथ कार में बैठता है और भाग जाता है। और फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और वो बच्ची उस लेडी जोआना की बेटी होती है और वो बच्ची ही हैना होती है जिसपे ये पूरी सीरीज है। और एरिक फादर लग रहा होता है और फिर वहां कुछ आर्म्ड लोग आ जाते हैं और एक बॉय हेयर कट वाली लेडी जाती है जिसका नाम होता है मरीसा वीगलर। और फिर एरिक और जोआना बच्ची को लेकर वहां से पहली फुर्सत में भागते हैं और मरीसा हेलीकॉप्टर से इनका पीछा करने लगती है और ऊपर से ही फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है, जिससे एरिक जंगल में कार ले जाता है। फिर पेड़ से एक बुरी तरह टकराकर इसकी कार भिड़ जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें जोआना की मौत हो जाती है, बट बच्ची को कुछ नहीं होता। और फिर ऊपर से मरीसा देखती है कि कार ब्लास्ट हो जाती है, बट एरिक उसके पहले ही हैना को लेकर वहां से भाग चुका होता है। और अब करंट टाइम दिखाया जाता है 2019 और हमें हैना दिखाई जाती है जो कि जंगल में शिकार कर रही होती है और अब वो लगभग 16 साल की चुकी है। और उसके पापा यानी एरिक भी इसके साथ होते हैं और ये दोनों वहीं एक गुफा में रहते हैं। और एरिक हैना को डेली ट्रेनिंग देता है और हैना नॉर्मल इंसान जैसी नहीं होती, उसके पास फाइटिंग स्किल्स, सर्वाइविंग स्किल्स और वो पेड़ पर भी स्पाइडरमैन की तरह चढ़ जाती है। और वो एरिक से बार बार ये पूछती रहती है कि आखिर वो कब तक यहाँ पर रहेगी, उसको बाहर की दुनिया देखनी है। और एरिक हर बार उसको ये बोलता है कि बाहर के लोग डेंजरस है, किसी भी इंसान पर ट्रस्ट मत करना। और एरिक ने उसे जंगल के बाहर जाने के लिए मना करा था, बट वो कहाँ मानने वाली। वो चुपके से चली जाती है और वो एक लड़के से मिलती है और वो उसको एक चॉकलेट देता है, बट वो किसी को कॉल करने लगता है तो हैना डर जाती है और उसका फोन छीन के उसका हाथ मोड़ देती है। तो वो गुस्सा होकर वहां से भाग जाता है। और फिर एरिक को जब पता चलता है कि हैना बाहर गई थी तो उसको बहुत डांटता है। और एरिक हैना को उसी मरीसा की फोटो दिखाता है और बोलता है कि यही है वो जिसने तुम्हारी माँ को मारा है और ये तुम्हें भी मारने आएगी और इसलिए मैं तुमको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैं हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, कल अगर मैं नहीं रहा तो तुमको खुद अपने आप को बचाना पड़ेगा। और अगले दिन फिर से हैना उस लड़के से मिल जाती है। इस बार वो उसे बताती है कि उसने जंगल के अलावा कुछ नहीं देखा है। वो उसको अपने साथ एक जगह ले जाता है और हैना को काफी अच्छा लग रहा होता है। और वो दोनों किसी टॉवर के ऊपर जाके लेट जाते हैं और वो लड़का हैना को किस करने का ट्राई करता है और हैना को समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। बट फिर वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं, बट हैना वहां से भाग जाती है। और फिर हम लोगों को मरीसा दिखाई जाती है जिसकी एक फैमिली होती है और उसके बाल ही बड़े हो गए होते हैं। और उसको एक आदमी मिलने आता है और उसको वही केस बताता है कि दो बच्चों को देखा गया है एक जंगल के पास। और लड़के से पूछताछ करने के बाद उन लोगों को शक हो जाता है कि लड़की कहीं वही तो नहीं जिसको एरिक लेके भागा था। फिर हैना रात में जागती है और उस गुफा के पास बाहर बैठती है। और यहाँ हम लोगों को हैना की एक और एबिलिटी पता चलती है कि वो दूर का बहुत जल्दी सुन लेती है कि मतलब कितने लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितनी गोलियां हैं, कितने आर्म्ड हैं। एक्चुअली लेडी डेयर डेविल। तो वो सुनती है कि दूर से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और तो वो फिर एरिक को जगाती है और फिर वो दोनों वहां से सामान पैक करके भाग जाते हैं। और सच में वहां से हेलीकॉप्टर आते हैं और वो इसी हैना के पीछे आए होते हैं और वो हैना को सर्च करना शुरू करते हैं। और स्क्रीन में मरीसा भी सब कुछ देख रही होती है। और ये लोग जंगल में फैल जाते हैं तो एरिक और हैना को जंगल में अलग अलग जाना पड़ता है। और एरिक ने हैना को सब कुछ बताया होता है कि कैसी सिचुएशन में क्या करना है। फिर वो दोनों अलग अलग भागते हैं, बट हैना एक सोल्जर को मार के उसका वॉकी ले लेती है और उसमें सुनती है कि उनका निशाना एरिक के ऊपर है, बट वो इससे पहले कि ट्रिगर दबाता हैना सरेंडर कर देती है और एरिक वहां से बच के भाग जाता है। और ये लोग हैना को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं और उसको जाके एक जेल में रख देते हैं। फिर उसको नहला धुला के इससे पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं और हैना सीधे बोल देती है कि वो सिर्फ मरीसा वीगलर से बात करेगी। और मरीसा ये सब स्क्रीन पर देख रही होती है और फिर वो लोग एक लेडी को फेक मरीसा बनाकर भेजते हैं और हैना समझ जाती है। तो वो बहुत चालाकी से वहां सबको मार के भागती है और उसको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें उसकी डिटेल्स लिखी होती है, तो वो उसको लेती है और उनमें से एक सोल्जर के कपड़े पहनकर बाहर निकल जाती है। और अब एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, सोफी। ये एक नॉर्मल लड़की होती है जो कि अपनी फैमिली के साथ एक वेकेशन पे आई होती है और ये कोई रेगिस्तान वाला सीन लग रहा होता है, लेकिन फिर वो आगे जाके खो जाती है। और फिर उसको हैना मिलती है और हैना उसकी हेल्प करती है उसकी फैमिली को ढूंढने में। और फिर हैना उसकी फैमिली से लिफ्ट मांगती है और उसको एग्जैक्टली पता होता है कि उसको कहाँ जाना है, सो उसकी फैमिली उसको लिफ्ट दे देती है। और सोफी को हैना अच्छी लगने लगती है, दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। सोफी उसको सब सिखाती है लाइफ कैसे जीना और हैना एक शॉप में अपने डैड को लेटर भेजती है एक एड्रेस पे। और फिर सोफी हैना को अपने साथ चलने को बोलती है और एक्चुअली हैना को भी अपने प्लान के हिसाब से एक स्टेशन की ट्रेन पकड़नी होती है और वो स्टेशन सोफी की फैमिली के रास्ते में ही पड़ रहा होता है। सो वो लोग हैना को अपने साथ ले जाते हैं
और हैना को कुछ लोग दिख जाते हैं जो उस पर नजर रख रहे होते हैं। एंड फिर ये लोग होटल में रुकते हैं और सोफी हैना को एक क्लब ले जाती है। वहाँ ये दोनों फुल डांस ड्रिंक मस्ती करते हैं और हैना के पीछे पीछे ये लोग उसके होटल पहुंच जाते हैं। बट उनको वहाँ हैना तो नहीं मिलती, बट उसके बैग में उसकी गन मिल जाती है। और फिर हैना सोफी को सब बता देती है, वो उस पर इतना ट्रस्ट करने लगी थी। और वो बताती है कि वो नॉर्मल कोई लड़की नहीं है, उसको अपने डैड से मिलने जाना है। और उसके डैड ने उससे साफ मना किया था कि किसी को अपनी रियल डेस्टिनेशन मत बताना कि तुम कहाँ जा रही हो। बट हैना सोफी को बता देती है और वो अपना रियल डॉक्यूमेंट भी दिखाती है। और फिर हमें एरिक की रियल मॉम को दिखाया जाता है, जिसके यहाँ मरीसा आती है और वो बोलती है कि अगर एरिक कभी भी यहाँ आए तो मुझे कॉल करके बता देना, वो उसकी ही सेफ्टी के लिए। और फिर एरिक को वो लेटर मिल जाता है जो हैना ने उसको भेजा था, तो उसको सुकून मिलता है कि चलो वो ठीक है। और फिर स्टेशन आ जाता है और हैना सबको गुड बाय बोलती है और सोफी उसको स्टेशन तक छोड़ने आती है। बट सोफी काफी सैड हो जाती है और तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं हैना को पकड़ने, और हैना सोफी से दूर भागती है और उन सबको पेल पाल के बराबर कर देती है। और सोफी ये सब देख के हैरान हो जाती है, हैना एक आदमी का भेजा उड़ाने ही वाली होती है, बट फिर वो सोफी को देखकर ऐसा नहीं करती है और वो भाग के तुरंत ट्रेन पकड़ लेती है और चली जाती है। और फिर वो सीधे एरिक के एड्रेस पे जाती है और एरिक उससे मिलने आता है। और फिर वो उसको एक जगह ले जाता है, अपने दोस्तों से मिलाता है और अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लानिंग कर रहा होता है वो। फिर मरीसा एक होटल में रुकने आती है और वो एरिक के सारे दोस्तों की लिस्ट निकालती है और एक को पकड़ भी लेती है और उससे पूछताछ करके उसको एरिक के अगेंस्ट भी कर देती है। और अब मैं आपको एरिक की पूरी स्टोरी बता देता हूँ, वरना सीरीज में तो बहुत धीरे धीरे बताया गया। सो एरिक पहले एक आर्मी ऑफिसर होता था, वहीं से इसके पास सारी सर्वाइविंग एंड फाइटिंग स्किल्स आई और इसके सारे दोस्त भी आर्मी वाले ही होते हैं जो इसका साथ दे रहे होते हैं। और आर्मी के बाद इसको शायद पैसों की जरूरत पड़ी थी, तो ये मरीसा से मिलता है और उसके लिए काम करता है। और मरीसा एक ऑर्गेनाइजेशन यूट्रैक्स के लिए काम करती है, ये बहुत पावरफुल और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है। और इसका काम होता है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को मनाओ और वो हम लोगों को अपना बच्चा सौंप दें और बदले में मनी ले लो, और इस बात को प्राइवेट रखने के लिए वो डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं, और रूल्स ब्रेक करने पर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो एरिक ऐसे ही एक जोआना नाम की औरत से मिलता है और उसको बच्चा देने के लिए राजी कर देता है। बट फिर एरिक को जोआना से प्यार हो जाता है और जोआना जब हैना को जन्म देती है तो उसकी ममता बाहर आ जाती है। सो एरिक को उसकी बच्ची वापस लाने के बोल देती है, तो एरिक तभी स्टार्टिंग में वो बच्ची चुराता है, बट जोआना मर जाती है और इसी वजह से एरिक बहुत नाराज होता है और हैना को ऐसा अपनी खुद की बेटी समझ के पालता है और वो हैना से बहुत प्यार भी करता है। और एरिक का एक ही मिशन होता है कि मरीसा से बदला लेना उसको जान से मारकर। और अब वो अपने दोस्तों के साथ यही प्लान कर रहा होता है और मरीसा के ऊपर परमानेंट नजर रखे होता है। और फिर वही दोस्त आता है और हैना उसको देख के समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और वो अपने डैड को बताती है कि उसको कुछ अजीब लग रहा है उस आदमी को देखकर। तो एरिक को हैना पे ज्यादा भरोसा होता है, तो पहले उसका प्लान होता था कि हैना को वहां अकेले छोड़ देगा ताकि वो सेफ रहे, बट अब वो उसको अपने साथ ले जाता है। और हैना का शक भी सच होता है, एरिक का दोस्त उसको धोखा दे देता है, वो मरीसा के साथ मिल जाता है और वो सारी डिटेल्स दे देता है। और फिर एरिक उसी दोस्त से मिलने आता है प्लान के अकॉर्डिंग, और मरीसा उसको दूर से देख रही होती है और फिर वो एरिक के ऊपर शूट एंड किल का ऑर्डर दे देती है। बट एरिक अपने दोस्त को समझा कर उसको बाहर भेज देता है कपड़े चेंज करके, और ये लोग उसको शूट कर देते हैं और वो मर जाता है। और एरिक वहां से मौका देख के भाग जाता है और होटल में घुस जाता है। मरीसा भी उसके पीछे पीछे जाती है, और पूरी सीरीज में ये मिशन मेरा फेवरेट पार्ट है। ये सब बहुत चलाकी से मरीसा को ही अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं, और मरीसा के आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता आखिर वो कहां चली गई। और एरिक मरीसा को जगह जाकर कैद कर देता है, और एरिक का एक दोस्त डीटर हैना को अपने साथ ले जाता है अपने घर पे ताकि वो वहां सेफ रहे। और फिर एरिक मरीसा को ब्लैकमेल करता है उसकी फैमिली को लेकर और उससे बोलता है कि मेरे ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हैं सब हटवा दो और मुझे और हैना को अकेले रहने दो और कभी भी पीछा मत करना। और एरिक ये समझाने के लिए कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा है, वो मरीसा के सामने ही उसका एक आदमी को मार देता है। और वो मरीसा से पूछता है कि हैना के साथ जो बाकी बच्चियां थी वो कहां गई। सो मरीसा बोलती है कि उसने बाकियों को जला डाला। और फिर मरीसा अपने ऑफिसर से बात करने जाती है और वो उससे बोलती है कि एरिक मेरी कैद में है, और वो उससे वो सब करने को बोलती है जो एरिक ने उससे बोला था। और फिर एरिक उसको अपने साथ ले जाता है वापस। फिर उस आदमी को शक हो जाता है कि मरीसा के साथ कुछ सीन है। और फिर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, सॉयर, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है जिसके अंदर पहले मरीसा काम करती थी, बट उसकी जगह अब इसको असाइन कर दिया गया है। और वो मरीसा की तलाश में लग जाता है, और उस ऑफिसर से बात करने के बाद वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। और इधर हैना डिटर के यहाँ होती है, और डिटर रात में एक जगह जाता है, और हैना भी छुप के उसकी कार के पीछे बैठ जाती है। और पहले वो जहाँ काम करता है वहाँ जाता है, और फिर वो एरिक से मिलने जाता है उसके अड्डे में। और फिर हैना भी छुपके से उसके अड्डे में घुस जाती है, और वो देखती है कि एरिक का दोस्त डिटर को कुछ देता है। और फिर वो और अंदर जाती है, बट एरिक को एहसास हो जाता है कि कोई है, सो वो वहाँ से भाग जाती है। और फिर वापस डिटर के घर आती है, और उसकी काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है डिटर के बच्चों के साथ। और नेक्स्ट डे जब घर में कोई नहीं होता, सो हैना वही चीज ढूंढने लगती है जो रात में डिटर ने उसको लेते हुए देखा था। और वो बाथरूम में उसको मिल जाता है, और उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है, और ये वही डॉक्यूमेंट होता है जो एरिक उन प्रेग्नेंट लेडी से साइन करवाता है जो बच्चा देने के लिए राजी हो जाती है। और हैना उसमें एक कॉलम देखती है जिसमें हैना के फादर का नाम नन लिखा होता है, और एक तरफ एरिक के साइन होते हैं और एक तरफ जोआना के। तो हैना समझ जाती है कि एरिक उसका रियल डैड नहीं है।
और वो बहुत रोती है। और फिर इस साइड एरिक का सारा काम हो जाता है मरीसा से, सो अपने दोस्त को उसे मारने का ऑर्डर दे देता है और वो हैना को लेने चला जाता है। और उनकी फ्लाइट होती है और हैना सबसे बाय बोलकर कार में बैठ जाती है। और हैना को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो एरिक से नाराज है। और फिर जब एरिक का दोस्त मरीसा को मारने वाला होता है तो पीछे से आकर उसे कोई शूट कर देता और ये वही सॉयर होता है। और फिर ये दोनों वहां से निकलते हैं और प्लेन के पास पहुंचने के बाद हैना और एरिक जब जाने वाले होते हैं तो वहां हैना एरिक के साथ जाने से मना कर देती है। वो उससे बहुत गुस्सा होती है कि उसने मुझसे झूठ बोला और वो एरिक से पूछती है कि क्या आप मेरे रियल लेडो। तो एरिक उसका जवाब हाँ बोलता है, बट हैना समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, तो वहां से अकेले भाग जाती है और एरिक बेचारा देखता रह जाता है। और फिर पीछे से वो लोग भी आ जाते हैं और एरिक पे अटैक कर देते हैं और एरिक भागता है बट उसको काफी गोलियां लग जाती हैं। बट फिर उसके दोस्त आकर उसको बचा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। और हैना वहां से एक ट्रक में छुपकर अपनी उस दोस्त के पास चली जाती है जिससे वो मिली थी और उसने उसको अपना एड्रेस और फोन नंबर दे दिया था, इसीलिए वो आराम से पहुंच जाती है। और सोफी ने उसको अपने घर वालों से छुपा कर अपने गैराज की वैन में रखा था और वो वहीं छुपकर रहती थी। और फिर सोफी हैना के साथ अपने एक पार्टी में जाती है और हैना वहाँ एंजॉय करती है। और फिर एक लड़का काफी लाइक करने लगता है हैना को और वो भी उसे पसंद करती है। और लेकिन फिर पता चलता है कि वो सोफी का क्रश होता है, सोफी उसको बहुत ज्यादा लाइक करती है। और फिर हैना और सोफी वहाँ से चले जाते हैं। और इस साइड सॉयर मरीसा को उस टीम से निकाल देता है और उसको घर में बैठने को बोल देता है। और फिर वो घर जाती है और उसकी फैमिली से मिलती है। और उसकी फैमिली के बारे में अगर आपको बताऊं तो उसका हस्बैंड उससे काफी नाराज होता है क्योंकि वो कभी भी अपने वर्क पे चली जाती है और कभी भी वर्क से आ जाती है बिना बताए, और अपने वर्क के बारे में उसको बताना अलाउ नहीं होता है। और मरीसा को नाइटमेयर्स भी आने लगते हैं उन बच्चों के जिनको मरीसा ने जला के मारा होता है। और मरीसा का बेटा उसको मॉम भी नहीं मानता और उस पर चिल्लाने लगता है, तो मरीसा को बहुत बुरा लगता है। और फिर सॉयर एरिक के दोस्त का पता लगाता है और उससे मिलने जाता है और उसको ब्लैकमेल करता है उसके घर में घुसकर कि तुम्हारे बच्चों को हम मार देंगे, तुम एरिक का एड्रेस दे दो। तो वो उसको एरिक का एड्रेस दे देता है और एरिक के दोस्त उसका इलाज करते हैं और वो थोड़ा ठीक हो जाता है। और फिर मरीसा अपनी खुद की रिसर्च स्टार्ट करती है और उसको हैना का पता चल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, सो वो सीधे उससे मिलने जाती है। और हैना अपने दोस्त के साथ फॉरेस्ट में जाती है पिकनिक मनाने और वहाँ वो सब फुल एंजॉय कर रहे होते और हैना को काफ़ी मज़ा आ रही होती है। और फिर जब सोफी सो जाती है फिर हैना उस लड़के के साथ इंटीमेट होती है, अपनी वर्जिनिटी लूज कर देती है। और फिर एरिक और उसके दोस्त पर अचानक से हमला होता है और फिर एरिक भागता है बट उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, उसको फाइनली सरेंडर करना पड़ता है। और फिर हैना उसके दोस्त घर वापस जाते हैं बट सोफी को उसके क्रश का बिहेवियर देख के समझ आ जाता है कि हैना और उसके बीच में कुछ चल रहा है। सो वो हैना से बहुत गुस्सा होती है और उस पर बहुत चिल्लाती है और हैना को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। और सोफी फिर जब घर जाती है तो वो वहाँ मरीसा को बैठी देखती है और मरीसा अपने आप को हैना की मॉम बताती है और वो बोलती है कि उसको हैना से मिलना है, जो भी तुम उसके बारे में जानते हो मुझको बता दो वो कहाँ है। और हैना उसको दूर से देख लेती है और वो सोफी के भाई का फ़ोन लेके वहाँ से भाग जाती है, बट मरीसा बड़ी चलाकी से उसको वापस पकड़ लेती है और उससे एकदम प्यार से बात करती है और उसके साथ एक डील करती है कि तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें तुम्हारी सारी बात बताऊंगी, तुम्हारी सारी क्वेरीज बताऊंगी कि तुम कौन हो, क्या हो, सारी डिटेल्स। और हैना के पास भी अब कोई रास्ता नहीं होता तो उसको डील माननी पड़ती है। और एरिक को ये लोग बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि वो हैना का पता बताते, बट उसको खुद नहीं पता होता है कि वो कहाँ है तो वो कैसे बता देता। और फिर सॉयर को मरीसा कॉल करती है और बता है और उसको लेकर आ रही है। और ये दोनों फिर निकलते हैं और रास्ते में एक होटल में रुकते हैं और मरीसा को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसको हैना पे दया आ रही है और वो उसको अच्छी लगने लगती है और इस बात का इफेक्ट हमको आगे दिखेगा। और इस साइड ये लोग एरिक को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं क्योंकि उनको हैना का पता चल चुका होता है, बट एरिक उन सबको पेल पाल के बराबर कर देता है। और उनका सिस्टम चेक करने पर उसको पता चलता है कि हैना जैसी और भी लड़कियां हैं जिस पर वो रिसर्च कर रहे हैं। और फिर उसको हैना का एड्रेस पता चलता है तो वो तुरंत फ्लाइट लेके वहां से निकल जाता है। और इस साइड मरीसा हैना को रेडी करती है क्योंकि सायर उसको लेने आता है और हैना को एकदम से एरिक की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो मरीसा से पूछने लगती है कि एरिक कहाँ है, तो वो बोलती है कि वो मर गया है। और हैना उसे क्रॉस चेक करने लगती है क्योंकि हैना झूठ पकड़ने में बहुत माहिर होती है और वो समझ जाती है कि एरिक जिंदा है। फिर मरीसा हैना को सॉयर के पास ले जा रही होती है, पर उससे पहले एरिक आ जाता है और वो पब्लिक प्लेस में होते हैं, सो मरीसा कुछ नहीं कर पाती और एरिक हैना को लेकर वहां से भागता है। और कुछ देर वहां पकड़म पकड़ाई चलती रहती है, फिर गन शॉट्स देखकर बहुत भीड़ हो जाती है, सो एरिक और हैना भागते हैं और सॉयर का ही हेलीकॉप्टर लेके वहां से उड़ जाते हैं। और हैना के पास भी मौका होता है कि मरीसा को मार दे, बट वो शूट नहीं करती है। इससे क्या पता चलता है बच्चों की वो भी उसको मारना नहीं चाहती। और इस साइड ड्यूट्रैक्स में दिखाया जाता है कि हैना जैसी लड़कियां और भी हैं और उन पर काफ़ी ट्रेनिंग चल रही है और ये लोग एकदम रोबोट्स जैसे होते हैं, वो कोर्ट्स पे काम करते हैं, जिनको ऑर्डर मिलते हैं वो वैसे काम करते हैं और ये बिल्कुल रोबोट्स जैसे वर्क कर रहे होते हैं। और फिर मरीसा सॉयर से टीम में वापस आने के लिए बोलती है, बट सॉयर उसको मना कर देता है और उसको घर पे रहने के लिए ऑर्डर देता है। और फिर एरिक हैना फिर से साथ आते हैं और अब हैना एरिक को डैड ना बोलकर एरिक ही बुलाती है और उसको एरिक बताता है कि मैं तुमको तुम्हारे रियल फादर के यहाँ ले जाऊंगा और तुमको वहीं छोड़ दूंगा और तुम वहां से अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना क्योंकि मेरे साथ तुम कभी भी सेफ नहीं रह पाओगी। फिर एरिक उसको अपनी मॉम के यहाँ ले जाता है क्योंकि एरिक को वहां से कुछ अपने डैड की गन्स लेनी होती हैं। और फिर अगर आपको याद होगा तो मरीसा पहले ही एरिक के मॉम के पास जा चुकी थी और उससे बोल चुकी थी अगर एरिक यहाँ आए तो मुझको कॉल करना,
और उसकी मॉम बिल्कुल सेम ऐसा ही करती है, वो मरीसा को बता देती है। और नेक्स्ट डे मरीसा वहाँ से निकल जाते हैं। वो पहले एक होटल जाता है हैना के साथ और हैना देख लेती है कि एरिक ने गन्स होटल में ही छुपा के रख दी है। और हैना जान रही होती है कि एरिक के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। और फिर वो हैना को लेकर उसको रियल डैड के पास जाते हैं। और इस साइड मरीसा एरिक की मॉम से मिलने आती है, बट एरिक वहाँ से जा चुका होता है। फिर सॉयर के लोग वहाँ आते हैं और मरीसा को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उसको अपने ऑर्डर के हिसाब से अपने घर में ही रहना होता था। बट मरीसा सॉयर से पूछती है कि एरिक ईस्ट की तरफ क्यों जा रहा है, वहाँ ऐसा क्या है। और वो जानती थी कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। और ये सीक्रेट यही होता है कि ये लोग गर्ल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पर उनको हथियार बना रहे होते हैं। फिर ये लोग मरीसा को एक सुनसान जगह ले जाते हैं, पर मरीसा ने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली होती हैं। वो समझ जाती है कि ये लोग मुझे मारने वाले हैं, पर उससे पहले ही मरीसा उन दोनों को मार देती है। और एरिक हैना को उसके रियल डैड से मिलवाता है, और हैना को बहुत बुरा लग रहा होता है, वो एरिक को छोड़ना नहीं चाहती। सो एरिक उससे बोलता है कि एक रात रुको, अच्छा ना लगे तो फिर तुम मेरे साथ चलना। बट एरिक का रियल प्लान ये नहीं होता है, उसका प्लान ये होता है कि वो उसी जगह जा रहा होता है जहाँ पर ये सब एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं, और उसको वहाँ से उन सारी लड़कियों को बचाना होता है। और ये मिशन एक तरीके से सुसाइड मिशन होता है, इसलिए वो हैना को यहाँ छोड़ देता है ताकि वो सेफ रहे। बट हैना उसके रियल डैड के यहाँ बिल्कुल नहीं रहती, उसको एरिक की चिंता लगी रहती है। सो अपने डैड को ही हिट करके उसकी कार लेके वहाँ से भाग जाती है, होटल के लिए निकल जाती है एक्चुअली। और मरीसा भी होटल आती है, और एक्चुअली ये वही होटल होता है जहाँ एकदम स्टार्टिंग में एरिक जोआनो को लेकर आया था, और फिर मरीसा ने उस पर अटैक कर दिया था। सो मरीसा को याद होता है ये होटल के बारे में, तो वो यहाँ आती है और एरिक के जस्ट बगल वाला रूम लेती है। और अब वो एरिक को मारना नहीं चाहती, वो बस उसके प्लान में साथ देना चाहती है और हैना को सेफ रखना चाहती है। और सॉयर के लोग यूट्रेक्स पर नज़र रखे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एरिक यहाँ आकर अटैक करेगा। लेकिन फिर उनको एरिक की ओरिजिनल लोकेशन पता चल जाती है, सो वो पूरी टीम भेज देते हैं उस होटल पे। और फिर जब एरिक होटल वापस आता है तो मरीसा उससे कॉल पर बात करती है और उसको सब बताती है कि वो तुम्हारी साइड है, सॉयर ने उसको मारने का ऑर्डर दिया तो वो अब उसके अगेंस्ट हो चुकी है। बट एरिक को उस पर बिलीव नहीं होता, और तभी वहाँ पर अटैक हो जाता है सॉयर उसकी पूरी टीम के साथ, और एरिक उनसे लड़ाई करता है, यानी काफी एक्शन स्टार्ट हो जाता है और एरिक की हालत खराब हो जाती है। बट फिर आती है हैना, और फिर एरिक और हैना मिलकर सबकी छुट्टी कर देते हैं। अब मैं आपको पूरे एक्शन सीन तो एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा ना। और फिर ये दोनों वहां से चले जाते हैं, और मरीसा सॉयर को एक तरह से किडनैप करके ले जाती है अपने साथ, और उससे सारी जानकारी निकाल रही होती है यूट्रेक्स के बारे में कि किस पे क्या एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। और फिर एरिक हैना को जंगल में ले जाता है, और हैना उसकी गोलियां निकालती है, और एरिक हैना को अपना सारा प्लान बता देता है। और एरिक हैना को उसकी मॉम की कब्र को दिखाने ले जाता है, और बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता था। और फिर ये लोग यूट्रेक्स जाने के लिए निकलते हैं, और मरीसा भी सॉयर को कार में बैठा के यूट्रेक्स ले जा रही होती है। बट रास्ते में वो कार का एक्सीडेंट करवा देता है और वहाँ से भाग जाता है। और मरीसा भी कुछ देर बाद जागती है, और फिर वो भी यूट्रेक्स के लिए निकल जाती है। और एरिक और हैना यूट्रेक्स में हमला कर देते हैं, और हैना उन गर्ल्स के रूम के बाहर जाती है और उनसे बात करने का ट्राई करती है, बट कोई रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। वो लोग ऑर्डर के बिना कुछ नहीं करते हैं, बट एक लड़की उनमें से अलग होती है, वो हैना का साथ देती है। और तभी वहाँ पर उन दोनों पे अटैक हो जाता है, और वो दोनों सबको मार देते हैं। फिर हैना कंट्रोल रूम में जाकर डॉक्टर से रूम खुलवाती है और सारी गर्ल्स को फ्री करती है, और हैना उन सबको तगड़ा वाला भाषण देती है, बट वो लोग कुछ सुनते ही नहीं है। और फिर सॉयर वहाँ आता है पूरी फोर्स के साथ, और जैसे ऑर्डर देता है वो लोग हैना पे अटैक कर देते हैं। बट फिर ये तीनों वहाँ से भागते हैं, और इन सारी गर्ल्स को ट्रक में भर के ले जाया जाता है। वो लोग शायद एक गर्ल्स की फोर्स तैयार कर रहे होते हैं। और फिर एरिक हैना और उस लड़की पे हमला होता है, और ये पूरी जगह को आग लगा दिया जाता है ताकि शायद कोई सबूत ना बचे, क्योंकि एक बहुत सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर वो तीनों फुल फाइट करते हैं, बट एरिक काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, उसको गोलियां लगी होती हैं। और फिर एना और वो लड़की इसको वहाँ से ले जा रहे होते हैं, बट पीछे से सॉयर अपना ज्ञान पीने लगता है। बट फिर अचानक से मरीसा आकर उसको गोली मार देती है, और एरिक से बोलती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, वो यहाँ सब संभाल लेगी। और फिर हैना बस में एरिक को बैठा के हॉस्पिटल जा रही होती है, बट रास्ते में ही एरिक मर जाता है। और हैना बहुत रोती है, बहुत उदास होती है। और फिर उसी जगह जहाँ उसकी मॉम दफन थी, वहीं पर वो एरिक को दफन कर देती है। और फिर वो दोनों, हैना और वो लड़की, अपनी न्यू एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं, और सीजन 1 खत्म। तो गाइस ये थी स्टोरी सीजन 1 की, और स्टोरी एकदम सिंपल थी। तो इसका सीजन 2 भी 3 जुलाई को ही आने वाला है, सो उसका एक्सप्लेनेशन भी मेरे चैनल पे तुरंत आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करे बिना और घंटा बजाए बिना मत जाना। आज के लिए इतना ही, सी यू सून, बाय बाय।